हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हो गई है सुबह और देखिए धूप, देव कितना धूप निकल गया है। तो मेरा किचन का काम हो गया है। मैं बर्तन, तो मैं जानते हो कि मैं बर्तन रात में ही धो लेती हूँ। मैं बर्तन रात में ही धो ली थी। मैं ब्रश करके आ गई हूँ। मैं एक लोटा पानी गर्म की हूँ, तो मैं जाऊँगी पानी पी लूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। देखिए मैं झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई हूँ। मैं कल शाम को चूल्हा जलाई थी, तो चूल्हा को मैंने बाहर निकाला। मैं इसको भी नहीं पी लूंगी, घर को पोछा लगा लूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो देखिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर ली हूँ। मैं आज गोभी आलू की सब्जी बनाई हूँ और चावल मैं चढ़ा दी हूँ। तो मैं लगाने वाली हूँ अपने बाल में, थोड़ा मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि मेरे बाल के देख रहे हो आगे का बाल मेरा पका हुआ है। तो मैं लगाती हूँ, 1 महीना हो गया, मेरे बाल बहुत ड्राई हैं, तो इसलिए मैं लगाती हूँ। तो 1 महीना हो चुका है, तो मैं लगा ले कलर करने वाली हूँ अपने बालों को। तो देखिए मैं मेहंदी घोल के रख ली थी, तो मैं इसको पेस्ट बना ली हूँ। और देखिए मैं उसमें चाय पत्ती के पानी के ही मैं उसे भी मैं मेहंदी को घोलती हूँ। और देखिए मैं ऐसे ही से अपने हाथों के सहारा ही मेहंदी लगाती हूँ। तो देख सकते हो मेरे बाल कितने ड्राई हैं और कितने कितने रुखे हैं। तो मेरे बाल इतने ही रुखे हैं, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। यदि सॉफ्ट हो जाए तो नहीं, पता नहीं कब सॉफ्ट होगा। तो देखिए मैं लगा रही हूँ मेहंदी, और मेरे घर में एक ही पैकेट था तो मैंने एक ही पैकेट लगाई है। और मैं नहीं तो मेरे बालों में 1.5 पैकेट या 2 पैकेट लग जाता है, तो मैंने उसी को आगे के ही बाल में ही लगा ले रही हूँ। फिर बाद में कुछ भी लगा लूँगी। तो देखिए मैं इस तरह लगा लूँगी, 2 भागों में बांट के उसको लगा लूँगी। और मेरा इधर लगा भी हो लगा लूँगी, और उसको मैं लगा के मैं छोड़ भी दूँगी, और मैं इधर खाना भी बना लूँगी, तब तो मेरे बाल सूख जाएंगे। तो मैं लगा रही हूँ, और मैं हाथों के ही सहारे इतने से ही लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ से ही अच्छे लगते हैं और मुझे ब्रश व्रश का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं इसे ही लगा लेती हूँ, लगा लूँगी। तो मेरे आगे का बाल बहुत पक गए हैं। और इधर मैं बना रही हूँ बेसन के पकोड़े की कढ़ी। तो देख सकते हो कि मैं मेरे बेसन ले ली हूँ, और मैं बेसन में हल्दी और जो मसाले मैं जो पीसती हूँ वो दे दी हूँ, और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने डाला है, और प्याज और कच्ची मिर्च मैंने डाल दी हूँ, और नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। मैं बेसन को धीरे धीरे पानी से मतलब कर लूँगी ताकि वो गीली ना हो जाए। मैं थोड़ी सी हल्की सी थोड़े से कम गीली रखती हूँ ताकि वो बाद में सॉफ्ट बन जाए। और मैं नमक बाद में ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से क्या होता है, बेसन बहुत गीली हो जाती है और पकौड़े अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। आप हमेशा बेसन कभी भी बड़ी या इसके पकौड़े बनाइएगा तो कुछ भी बनाइएगा तो बेसन को मतलब मिला के उसको कुछ देर के रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिएगा आपके पकौड़े या जो भी बनाइएगा तो वो अच्छी फूली फूली बनती है। तो देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुकी है, और मैंने उसको रेस्ट करने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो देखिए मैं इधर तेल दे दूँगी, मैं ज़्यादा तेल नहीं दूँगी, 4-5 चम्मच तेल दे दूँगी, और उसके बाद मैं पकौड़ों को तल लूँगी। देखिए मैं बाद में मेहंदी लगाई हूँ, तो मैं धोई नहीं हूँ। मैं बाद में धोऊंगी, अभी खाना वाना बना लूँगी उसके बाद। तो मैंने बोला कि मेरे घर में दही थी, तो मैंने बोली कि बसन की कढ़ी बना देती हूँ। और मैंने पालक साग, इनके पापा लाए तो पालक साग बना दी हूँ, गोभी आलू बना दी हूँ, और मैं दाल नहीं बनाने वाली हूँ। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, और आप लोग को मैंने बताया था कि मैं लास्ट में ऐड करती हूँ नमक, तो नमक मैं लास्ट में ऐड करूँगी। अब इसको हाथों के सहारे या चम्मच के सहारे बना सकते हो। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसको मैं दे दूंगी छोटा छोटा करके। तो देखिए इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ही छोटे छोटे करके ही मैं वैसे बड़ी बना लेती हूँ। मैं जिस तरह मैं बड़ी बनाती हूँ उसी तरह मैं बड़ी को पकौड़े कढ़ी भी बनाती हूँ। तो देखिए मैं इधर बना लूँगी, और इस इधर मैं देखिए दही रखी हूँ, और 2 चम्मच मैं बेसन ली हूँ, इसका मैं घोल तैयार कर लूँगी। और मेरे दही खट्टी दही है, तो मेरे घर में इतनी दही थी तो मैंने बना ली हूँ। देखिए तो मैं इसको मिक्सी में ही घोल लूँगी ताकि वो अच्छे से गुठली ना पड़े, और दोनों को मैं डाल दूँगी और मिक्सी चला लूँगी। तो देखिए मेरा पकौड़े तैयार हो चुके हैं, और इधर मेरा घोल भी तैयार हो चुका है।
देख सकते हो। और मैं इधर कढ़ाई में फिर तेल गर्म होने के लिए दे दी हूँ। देखिए मैं फिर कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने दे दी हूँ और उसमें मैं 5-6 चम्मच तेल दे दूँगी। और उसके बाद मैं लहसुन और प्याज मैंने काट के रख ली हूँ, उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और एक हरी मिर्ची ले लूँगी, आप इसमें लाल मिर्च भी ले सकते हो, तो मैं हरी मिर्च ही लूँगी। तो देखिए मैंने तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है और उधर मैं तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए मेरा प्याज और लहसुन का मैंने काट ली कट कर ली थी। और देखिए मैं उसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मेरी तेल गर्म हो चुकी है, तो मैंने देखिए मिर्च डाल दी हूँ पहले, और उसके बाद मैं लहसुन और प्याज को मैं डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इसमें मेरा ये है कि मैं नमक अभी नहीं ऐड करूँगी, मैं नमक अभी नहीं दूँगी, ताकि नमक अभी देने से मेरी दही फट जाएगी, इसीलिए मैं ना लास्ट में ही नमक ऐड करूँगी। तो देख सकते हो आप लोग मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ मैं इसमें हल्दी डालूँगी और गरम मसाला का पाउडर डाल दूँगी। तो देखिए मैं उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप उसमें प्याज भी डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, लहसुन भी डाल सकते हो। आप बिना प्याज लहसुन की भी बेसन की कढ़ी बना सकते हो, तो अच्छी लगती है। तो देखिए मेरे फ्राई हो चुकी है। मैं इसके बाद मैं थोड़ी सी देखिए हाँ, मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और हल्दी डाल दूँगी और मैं इसमें कुछ और नहीं डालूँगी। और मैंने बेसन के पकौड़ों में हल्दी तो डाली थी, तो मैंने ये दही की कढ़ी के कलर के लिए मैंने हल्दी डाल दी हूँ, ताकि वो अच्छी दही थोड़ी सी सिर्फ हल्दी थोड़ी सी अच्छी लगे कलर में। तो देखिए मैं अब डाल दी हूँ और उसके बाद मैं उसको वो घोल को मैं डाल दूँगी। तो देख सकते हो मैं वो घोल अभी गाढ़ी है, तो मैं इसमें पानी थोड़ी ज़्यादा दे दूँगी, क्योंकि पानी डालने से मैं बेसन को उसके ऊपर पकाऊँगी। तो मैं बेसन को धीरे धीरे करके पकाना है। तो देखिए मैं धीमी आँच रखी हूँ और मैं इसे पानी दूंगी ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। और अभी बेसन पक जाने के बाद वो गाढ़ी हो जाती है, और देखिए अभी ये कितनी पतली है। अभी मैं उसमें और थोड़े से पानी डालूंगी और उसको मैं चलाते हुए ही पकाऊंगी, और नहीं चलाइएगा तो वो बैठ जाएगी। तो मैं चलाती रहूंगी और धीमी ही आँच में मैं पकाऊँगी। एक बार मैं थोड़ी सी आँच को थोड़ा सा लो ज़्यादा कर दूँगी और उसको पकाऊँगी। उसके जब वो उबाल आ जाएगी तो मैं उसको धीरे धीरे लो कर दूँगी और उसको मैं पकाऊंगी। तो देखिए मैं इस तरह ही मैं चलाती रहूंगी ताकि वो बैठे नहीं। तो देखिए मैं अभी थोड़ी सी और पानी डाल दूंगी और नमक में मैंने सबसे लास्ट में ऐड करूंगी। तो देखिए मेरा घोल तैयार हो चुका है, मेरे बेसन पक गई है, तो अब वो कढ़ी के लिए तैयार हो चुकी है। और मैं देखिए मेरी मैं गैस को शायद मैं गैस बंद कर दी हूँ और नमक मैं ऐड करूँगी लास्ट में। मैं बॉयल निकालने गई थी, तो मैं बॉयल में ही निकालती हूँ निकाल दूँगी। तो देख सकते हो वो कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो देखिए वो कढ़ाई में आपको उतना मैं पानी दी थी, तो देखिए उसका दागी है, तो मैं उतना ही पानी दी थी। मैं उसे पकाते पकाते देखिए उसको कितना कम हो चुका है। तो देखिए मैं इतनी रखूँगी, और फिर नहीं तो वो बाद में ही बेसन तो जानते ही हो उसमें वो सोख लेती है, तो मैं उसको थोड़ी पतली ही रखूँगी। तो देखिए मैं पकौड़ों को मैं डाल दे रही हूँ, मैं लास्ट में ही ऐड करूँगी ताकि वो पकौड़े टूटे नहीं। हमें पकौड़े बहुत सॉफ्ट ही बने थे। तो देखिए वो गरम गरम है, तो वो उसमें अब मैं नमक डाल दूंगी। तो मैं तो पकौड़ों में नमक डाली हूँ, सिर्फ कढ़ी के लिए मैं नमक डालूंगी और उसके बाद मैं छोंक लगा दूंगी। तो देखिए मेरे ये गैस गरम है, यही मेरी ये चूल्हे गरम है, तो मैं इसी में बोली कि मैं इसी में रख के ही नमक डाल दूंगी। अभी वो गरम गरम है तो नमक घुल जाएगी। तो देख सकते हो मैं कढ़ी के अनुसार मैं नमक डाल दी हूँ। तब जितनी नमक खाइए, मतलब तेज नमक खाते हो तो तेज डाल सकते हो, तो अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। तो देखिए मेरी देखिए घोल कितनी अच्छी लग रही है, और ये अच्छी लगती है चावल के साथ खाने में। और मैं छोंक की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए मैंने उसमें डाल दी हूँ कड़ी पत्ते और पचफोड़न, और मैं एक सूखी मिर्च डाली हूँ। और उसमें जब ये चटक जाएगी, मैं देखिए वो तेल गर्म हो चुका है और मेरी मिर्च भी
कलर दे दी है, तो देखिए मैं इसमें कश्मीरी मिर्च कलर के लिए डालूंगी। मैं लाल मिर्च तो आप जानते हो कि मैं लाल मिर्च का पैकेट वो नहीं डालती हूँ, तीखापन के लिए मैं कश्मीरी मिर्च के ही डालती हूँ सब चीज़ों में। तो देखिए मैं कश्मीरी मिर्च ही डाल रही हूँ। और उसके बाद ये मैं कड़ी में छोंक लगा दूंगी, जिससे कलर भी अच्छा आएगा और कड़ी पत्ता का स्मेल भी बहुत अच्छा आता है और कड़ी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखिएगा मेरी कड़ी बहुत खूबसूरत दिखेगी और खाने में भी अच्छी लगी थी। तो बच्चे लोग खाते हैं, खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं चावल के साथ। तो देखिए मेरे बेस मैंने इसमें छोंक लगा दी हूँ और मैं आप लोग को चम्मच से मैं लगा के चम्मच से एक बारी करके दिखाती हूँ। ये बेसन की कड़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो देखिए मेरी बेसन की कड़ी तैयार हो गई है, देख सकते हो, कभी भी ट्राई कीजिएगा आप सभी भी। तो एवरीवन आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आज का वीडियो यदि पसंद आया हो बेसन की कड़ी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तो बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।